देश भर में पानी की समस्या की वजह के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि पानी की किल्लत के चलते भी लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट के जरिए इस बात का पता चला है कि भारत अभी तक पानी को लेकर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 लाख लोगों को साफ पानी पीने के लिए मुहैया नहीं हो पा रहा। गौर करने वाली बात तो है कि भारत में हर साल तकरीबन 2 लाख लोग पेयजल ना मिलने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वाकई में ये बात कितनी हैरान कर देने वाली है कि साफ पानी नहीं मिलने के कारण लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आई है उसके जरिए पता चलता है कि 2 लाख लोगों को तो पानी मिल ही नहीं पा रहा। 5 साल बाद सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, हर कोई अपनी सरकार में तमाम तरह की बातें करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इससे पता चलता है सरकार केवल जुमलेबाजी के अलावा और कुछ करना नहीं जानती। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।